इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर नगर विधायक राजीव कुंवर जी मौजूद है, उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, किस तरह से मना? आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए देश की आज़ादी को की 75वीं वर्षगांठ पर मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर आज घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज IIA ने हमारे शहीद भगत सिंह चौराहे को सजाने का तिरंगे के रूप में काम किया है। इसके लिए मैं IIA के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और प्रत्येक देशवासी और प्रत्येक नगरवासी आह्वान करता हूँ कि वे आज 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घर के ऊपर तिरंगे को जरूर फहराएं। जय हिंद, जय भारत। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, साथ ही साथ हर घर तिरंगा अभियान भी जोरों से चल रहा है। इतिहास में दर्ज है कि सन 1947 में जो राष्ट्रीय ध्वज, जो झंडा देश ने अपनाया था, वो आज भी मान्य है और उसी को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत साबरमती आश्रम से पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया था और उसी के तहत आज अलग अलग कार्यक्रम देश में किया जा रहा है। इसी कड़ी में IIA ने भी घंटा घर पर एक आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर एक कार्यक्रम किया। तो चलिए बातचीत करते हैं, कैसे मना रहे हैं आज़ादी का? आज आज़ादी का महोत्सव है, अमृत महोत्सव है। आज हमारे पूरे देश के अंदर तिरंगे से ढक दिया जाएगा। ये 3 दिन का प्रोग्राम आज शुभारंभ IIA ने घंटाघर को रैप करके तिरंगे से इस ये संदेश दिया है कि हमारा देश अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आम जनमानस को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस अपने देश की है, उसको मनाने के लिए आज ये मौका मिला है कि हम अमृत महोत्सव पर, जिसके 75 ईयर पूरे हो चुके हैं, हम पूरे देश के अंदर ये प्रयास करें कि एक भी घर, एक भी उद्योग, एक भी कमर्शियल स्थान तिरंगे से पटा होना चाहिए। हर जगह तिरंगा रहलाना चाहिए। हमारे पास 2 दिन का समय और है, आज कल और परसों हम तिरंगा फहराएंगे और संदेश देंगे पूरी देश की जनता को कि एकता में ही सब समाप्त है, अन्यथा इस देश के चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, वातावरण ठीक नहीं है। इसमें आवश्यकता इस बात की है हम इकट्ठा होकर ऐसा महोत्सव बनाएं कि हम फिर आगे भी इकट्ठा रहें। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर IIA के चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सडाना भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे जा रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तो क्या कहना चाहिए? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा हमारी शान है, आन है, बान है और हमारी पहचान है, तो हमें तिरंगे के सम्मान में हम हर किसी को आह्वान करते हैं कि वो इस उत्सव में सम्मिलित हों और हर अपने घरों में, अपने प्रस्थानों पर, अपने ऑफिसेज में, अपनी फैक्ट्रियों में, हर एक जगह तिरंगा लगाएं और तिरंगे का मान और बढ़ाएं और देश का मान और बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है और हमारे मान और हमारे पहचान का प्रतीक है। जी, आइए, ये कैसे मनाने जा रहे हैं? आइए, अपने सभी मेंबर्स को कह रहा है कि वो अपने उद्यम में, अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने ऑफिसेज में हर एक जगह तिरंगा लगाएं और लोगों को जागरूक करें कि हम तिरंगा हर एक जगह फहराएं, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व को हम बहुत अच्छी तरह मनाएं। IIA द्वारा ये स्टिकर कार पे लगाने के लिए तिरंगे के स्टिकर भी छपवाए गए हैं और हर एक जगह हम चाहते हैं कि तिरंगे की छाप दिखे। आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, हर घर तिरंगा अभियान भी प्रधानमंत्री ने चला दिया, तो क्या कहना चाहिए? पूरा देश बड़े हर्षोल्लास से, बड़े उत्साह से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मेरी सहारनपुर नगर के सभी निवासियों से ये अपील है, हर घर पर तिरंगा अवश्य लगाएं और निश्चित तौर से ये जो पर्व पूरा देश बड़े उत्साह के साथ मना रहा है, इस पर्व में पूरे उत्साह के साथ शामिल हो, यही संदेश मैं सहारनपुर नगर वासियों को देना चाहता हूँ। नगर निगम से कुछ और अलग से तरीके से मना रहे हैं? नगर निगम से हर घर तिरंगा भिजवाया जा रहा है, हर घर पर तिरंगा लगाने का अभियान सभी पार्षदों के द्वारा, मेरे सफाई इंस्पेक्टरों के द्वारा, नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, पूरी टीम हमारी सहारनपुर नगर निगम की हर घर पर तिरंगा लगाने पर लगी हुई है। फिलहाल अभी तक कितने तिरंगे बन चुके हैं? हमारे सहारनपुर नगर निगम के द्वारा 1 लाख तिरंगा और जिला प्रशासन द्वारा लगभग 2.5 लाख तिरंगा सहारनपुर नगर में बट चुका है। अभी आपने देखा यहाँ पर मेरे साथ CDO साहब भी हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, हर घर तिरंगा अभियान भी चला दिया प्रधानमंत्री ने, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, जैसा सब जानते हैं कि इस वर्ष हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं और ये वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के तौर पे मनाया जा रहा है। इसी की कड़ी में 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक अमृत महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत आज 13 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए पूरे जनपद में सभी पंचायतों में, सभी स्कूल्स में, शहरी क्षेत्रों में सभी को तिरंगा वितरण किया गया है और सभी से आह्वान किया गया है कि सभी लोग अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पे, अपने उद्यमों पे, सारी सरकारी बिल्डिंग्स पे, स्कूल कॉलेजेस पे, मार्केट प्लेसेस पे, चौराहों पे, सब जगह तिरंगा फहराया जाना चाहिए। और उसी की कड़ी में आज IIA के सहयोग से हम लोग आज घंटाघर चौराहे पे अभी उपस्थित है। यहाँ पर घंटाघर चौराहे को 3 रंग की पट्टियों से, जो कि हमारे राष्ट्र ध्वज की के कलर हैं उसके हिसाब से, उनको अभी यहाँ पर रैप किया गया है और इसके अतिरिक्त तमाम लोगों को यहाँ पे ये जागरूकता फैलाई गई है। सभी लोगों को ये आह्वान किया गया कि हर व्यक्ति इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व पे अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाए। तो अभी आपने देखा मेरे पीछे IIA के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद और सभी के हाथ में यहाँ पर झंडे भी हैं, तिरंगे रंग से इन्होंने पूरे घंटाघर को रंग दिया है। तो अगर आप भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हर घर तिरंगा अभियान में जोरों शोरों से अपना आह्वान।